अभी पोपट और गाड़ी लेकर चले गए हैं ये, तो हम जाएंगे अभी वारी करेंगे हम। आज आपको बताएंगे नदी का हाल, बहुत मुश्किल से मैं निकल ही गई आज बाहर। थोड़ी बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा सा राहत मिली है। चल, अभी थोड़ी सी राहत मिली है, बारिश रुक गई है, तो मैं अभी बस निकली हूँ। तो उसमें भी शर्मा जी गाड़ी लेकर चले गए हैं, तो अभी मैं जाऊँगी पैदल पैदल जाऊँगी। ऑटो में नहीं, हम पैदल ही जाएंगे, देखेंगे आने के टाइम हो सकती है। तो उसको बोला मैंने छाता, तो वो गया भागते भागते छाता लेने के लिए, अभी आएंगा ही वो। भूल गए थे क्योंकि हो सकता है बारिश भी आ जाएंगी, इसके लिए हम छाता लेने के लिए रिटर्न आए। तो हमारी जो अभी हम पैदल जा रहे हैं मंदिर, और हमारी जो अकोला में नदी है मोरना नदी, तो उसको देखिए, आपको बताऊंगी मैं कितना नदी। अरे पुल के ऊपर पानी, और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है अभी, इतना ज़्यादा फ्लो है। इसके लिए मेरे भैया बोल रहे थे मुझे, ये लोग खड़े हैं वहाँ पे देखने के लिए। उधर गड्ढा है ना, इसके लिए पानी आ गया। उधर लोग इधर कहाँ आ गए बता, उधर बैठे जा। इसके लिए मेरे भैया बोल ही रहे थे कि बहुत बारिश हो रही है, तो भगवान से बोलो कि बारिश कम कर दे। कम हो गया ना अभी तो, पहले ऊपर से आ रहा था। देखो गाड़ी लेकर आ रहा, बोल वो देख शाना गिरेगा जब मालूम। देख गाड़ी लप लप हो रही ना, इसमें दिख रहा। अरे भाई लेके आ गया। श्रावण का पहला सोमवार था, सुबह में मैं मंदिर नहीं जा पाई थी, इसके लिए मैं शाम में पानी, जब बारिश रुक गई थी जब मैं शाम में निकली थी, तो बीच में आपको बताई मैंने कि कैसे नदी को भी बाढ़ आई थी हमारे। तो अब आ गई हूँ मैं मंदिर में, और मंदिर में आप देख ही सकते हो कितनी भीड़ है। तो आधी घंटा तो मुझे इसमें पूजा करने में ही, भगवान के पास पहुंचने में मुझे आधी घंटा लग गया था, और वहाँ पे जाने के बाद में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप देख सकते हो नाम जप चल रहा है भगवान का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। दोनों के हो गए दर्शन, अभी लेकर जा रही हूँ मैं बेलपत्री घर पे लेकर जा रही हूँ बेलपत्री। हाँ मेला ही है इतनी भीड़ थी, और हम जा रहे हैं अभी पानी देखने के लिए जो मम्मी जा रहा है। पानी यहाँ तक फिर उधर का पानी, वो जो घर दिख रहा ना उधर का वो पानी थोड़ा। और भावेश के साथ चल रही थी मेरी गपशप, मजाक मस्ती चल रही थी हम दोनों माँ बेटे की। और आप देख ही सकते हो कि लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं, बाढ़ को भी इंजॉय कर रहे हैं लोग वहाँ पे पुल के ऊपर खड़े होकर, और देख रहे हैं। जांच पड़ताल चल रही थी वहाँ पे कितना पानी और कितना नहीं। मैंने तो दूर से ही क्लोजअप करके लिया था क्योंकि मुझे डर लगता है, इसके लिए मैं दूर से ही देख रही थी। और देख ही सकते हो आप कितना भयानक, पहले तो पुल के ऊपर से 1-1.5 फुट ऊपर से था पानी, पर बाद में हम जब शाम में गए जब कम हो गया था, तो लोग भी उसके ऊपर से गाड़ियाँ वगैरह लाना स्टार्ट हो गई थी, और लोग इन्जॉय कर रहे थे पुल के ऊपर खड़े होकर। उनको डर भी नहीं लग रहा था कि पुल उल गिर जाएगा, पर ठीक है चलो हमको डर लगता है उनको नहीं लगता है, तो वो इन्जॉय कर रहे थे वहाँ पे। घर पे चलना है, चल बहुत लेट हो गया। क्रोधित नहीं है, देखना गाड़ी वाली। भगवान इतने प्रसन्न हो गए हमारे पे, अकोला वालों पे, इतना पानी भेज दिया हमको। मोहित को सही में अकोला में फर्स्ट टाइम ही इतनी बारिश आई है। नेक्स्ट पिछले साल भी आई थी, नहीं पर इतना नहीं था पिछले साल, एक कंटिन्यू नहीं आई थी खेती के जैसे। हाँ पिछले साल ऐसी मतलब फटाक से आ गया था, फटाक से भर गई थी, फटाक से खा गई, और बहुत दिनों बाद में आया था। मतलब ऐसा रात को आया, रात को चले गया। हाँ। ये कैसा 15-20 दिन कंटिन्यू चला। हाँ। और अभी कम हो गया पानी नदी का, बहुत कम, मतलब बता नहीं सकते हम इतना कम हो गया। हाँ। तो हम मंदिर से आते आते, जाते जाते भी हमने देखे, और आते आते भी हम
अभी देखे नदी के दर्शन किए दोनों टाइम। और एक ही हाँ? एक ही बच्चा है ना। हाँ, क्यों वही बोल रहा हूँ, बच्चे ज्यादा है इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, हम हाँ, तो जा रहे हैं हमारे घर पे। बच्चा एक ही है, बच्चा एक ही है और बोला बच्चा अकेला है तो पैसे मिलेंगे कुछ। और उनको लगा कि मेरे दो तीन बच्चे हैं साथ में जो कि डूबे डूब भी सकते हैं, तो मेरा एक ही बच्चा है और मैं लेकर जा रही हूँ। ये देखिए बच्चा, ये दो बच्चे, एक बच्ची है सॉरी, ये है बच्चा। और हम आ गए हैं अभी दर्शन करके, हो गए हमारे दर्शन। आपने देखा ही कि कितने कितनी मेहनत करना पड़ा दर्शन करने के लिए। मेन ब्रांच पे जाके आ गए, मेन ब्रांच में गए थे हम। उनकी शाखा है हर जगह पे, वैसे भोले बाबा की शाखा है हर जगह। तो पूजा तो कहीं पे भी करे तो एक ही है, पर हम होता है ना कि कहीं जहाँ हम हमेशा जाते हैं वहाँ जाने की ज्यादा इच्छा होती है, तो सावन महीने में कम से कम वहाँ जाकर बनता है। पूजा कर ली तो हमको शिव जी का वो मिल जाता है। बस ओवर गुरु जी के बोल है, ये ओवर एक्टिंग की दुकान। क्या है तेरे गुरुजी की बोल? मेरे गुरुजी की बोल है पत्थर को भी जल चढ़ा दिया दिल से तो कामना पूरी। कौन सी कामना है तेरी बता? मेरी कामना नहीं फर्स्ट रैंक आने। फर्स्ट रैंक आने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, गियर साइकिल। गियर साइकिल के लिए भी वो भगवान कुछ नहीं करने वाले इसमें, गियर के साइकिल के लिए। और बोलता है वो उसके लिए कर रहा है, कुछ समझता नहीं अभी इसको। मेरे देव, तो उसको बोला है मैंने, उसको जाप करने लगाया मैंने वहाँ पे। वैसे भगवान का जल्दी ये नाम लेता नहीं है, तो इसके लिए मैंने उसको साथ में भी लेकर जाती हूँ कि उसको मंदिर जाने की आदत लगे और भगवान का नाम लेने की आदत पड़े। क्योंकि उसको बहुत बार बोलती हूँ मैं भगवान का नाम लिया कर, पर लेता नहीं। बचपन में लेता था, अभी थोड़ा बड़ा होते जा रहा है वैसे भगवान को भूलते जा रहा है, तो मुझे उसको भूलने नहीं देना है। इसके लिए मैं उसको साथ में लेकर घूमती हूँ और उसको मंदिर भी मैं भेजती हूँ। शाखा में जाते हैं रोज, और वैसे वैसे तो बातें करता नहीं है, पर अभी उसको बहुत बातें आ रही। तो मेरी अभी दिया बत्ती बाकी है, तो मैं भी दिया बत्ती करूँगी। तो इसी के साथ मेरा ब्लॉग एंड करती हूँ, तो मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।